प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि G20 सम्मेलन के श्रीनगर में सफल आयोजन से जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों के लिए पसंदीदा स्थल के रूप में उभर कर सामने आया है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि ये बदलते हालात को दर्शाता है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह शनिवार को श्रीनगर में मेडिकल साइंस के नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन की ओर से हेल्थ केयर में संचार विषय पर आयोजित कार्यशाला को संबोधित कर रहे थे। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कश्मीर तेजी से बदल रहा है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि श्रीनगर में G20 का सफल आयोजन अपने आप में पिछले 9 वर्षों में हुए बदलाव का संकेत है। उन्होंने कहा कि आज कश्मीर में पत्थरबाजी नहीं होती और ना ही रास्ते में चलते आतंकवादियों से मुठभेड़ होती है। ये सब बदलाव को दर्शाते हैं। स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में प्रभावी संचार के गहन महत्व को चिन्हित करते हुए डॉक्टर सिंह ने कहा कि स्वास्थ्य सेवा सिर्फ एक विज्ञान नहीं है बल्कि एक कला है जिसमें न केवल बीमारियों का उपचार शामिल है बल्कि मरीज व उनके परिवार के साथ संवाद करने का नाजुक और दयालु कार्य भी शामिल है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इस कार्यशाला के लिए श्रीनगर को स्थल के रूप में चुनने पर खुशी भी व्यक्त की। आज आप देखिए यहाँ पर डॉक्टरों की 2 कॉन्फ्रेंसेज मुनक्कद की गई हैं श्रीनगर में, वादिया कश्मीर में, और दोनों ही कौमी सत्ता की, एक नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन मेडिकल साइंसेज की एक कॉन्फ्रेंस और दूसरी जीन्स और एंडोक्रिनोलॉजी को लेकर के। और मुझे लगता है यही इस बात की तस्दीक करता है कि हालात किस तरह किस कदर बदले हैं और कितनी तेज़ रफ्तार से। और G20 जिस तरह से यहाँ पर मुनक्कद हुई और सारी दुनिया इस बात को कबूल कर रही है कि 60 ऐसे लोकेशंस थे हिंदुस्तान भर में जहां पर के G20 की मीटिंग्स को मुनक्कद किया गया, उसमें से सबसे ज़्यादा अगर कहीं जोश उत्साह और वलवला देखने को मिला तो श्रीनगर वाली मीटिंग में। सारे डेलीगेट्स भी यहां पर आए और जो एक सरकारी प्रोग्राम बना था उसके तहत भी कार्रवाई, उसके अलावा जो नॉन ऑफिशियल इवेंट्स होती हैं उसमें भी सबने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। और मुझे भली तरह से याद है, बहुत अच्छी तरह से, कि 1990 का जब वक्त था जब SKICC भी नया बना था तो यहाँ एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस मेडिकल की, हार्ट के डॉक्टरों की, कार्डियोलॉजिस्ट की चल रही थी जब हालात थोड़े से नासाज हो गए और फिर 20-25 बरस का बीच में वक्फा आ गया। वरना जम्मू कश्मीर और श्रीनगर में शुरू से ही हेल्थ केयर, हेल्थ एजुकेशन की एक रिवायत रही है। श्रीनगर का मेडिकल कॉलेज आज़ादी के बाद जो सबसे पहले मेडिकल कॉलेजेस कायम किए गए थे उनमें से एक था, उसके कुछ ही देर के बाद, कुछ ही वर्षों के बाद जम्मू में भी मेडिकल कॉलेज कायम किया गया। शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट, PGI, एम्स और जिपमेर के बाद उस तर्ज पर 4th इंस्टीट्यूट था पूरे हिंदुस्तान में। और मुझे लगता है कि आहिस्ता आहिस्ता अब हम वापस उस तरह के माहौल में आ रहे हैं और सबका उसमें तावन भी है।